अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित संवाद भवन में उभरता भारत नई आशाएं विषय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संबंध में राज शरणशाही ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश व छात्र हित में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। आज हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर है और वो प्रगति में पूरे विश्व में भारत को उच्च स्थान की ओर ले जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज शरणशाही ने कहा, तो प्रोफेसर दीक्षित मैडम आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी। अब भारत के विकास की दिशा क्या हो, भारत किस दिशा में आगे बढ़े और उस विकास में युवाओं की भूमिका क्या हो। अगर सरकार के पिछले 5 वर्ष के कार्यों का हम विश्लेषण करें तो ये ध्यान में आता है कि हम विकास के प्रतिमान क्या होने चाहिए और उस प्रतिमान पर अभी सरकार की क्या स्थिति है। कब हम भारत को उभरता हुआ मानेंगे, भारत के विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। हमारी ये अस्पष्ट मान्यता है कि भारत उभरता हुआ कब माना जाएगा, जब भारत अपने मूल स्वर के साथ आगे बढ़ेगा। अब भारत का मूल स्वर क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस सभागार में जब हम इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं तो ध्यान में आता है कि पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत का मूल स्वर जिसको उन्होंने चिति कहा कि भारत की चिति क्या है, जिसको हमारे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत की आत्मा क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत की आत्मा भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा भारत का धर्म है। इसलिए भारत की संस्कृति के अनुसार भारत का विकास अगर होता है तब हम उभरता हुआ भारत मानेंगे। भारत की संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करती है, भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करती है, भारत की संस्कृति अप्रदीपो भव का उद्घोष करती है, भारत की संस्कृति अंत्योदय का उद्घोष करती है, भारत की संस्कृति ग्रामोदय का उद्घोष करती है। अतः ऐसा भारत जिसमें धर्म के अनुसार समाज का संचालन हो रहा, ऐसा भारत जिसमें धर्म के आधार पर राजनीति का संचालन हो रहा, ऐसा भारत जिसके निर्माण में अंतिम व्यक्ति की सहभागिता बनती हो, तब हम भारत को उभरता हुआ भारत मानेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन मैन इन नेशन बिल्डिंग, अगर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में राष्ट्र के निर्माण में अंतिम व्यक्ति की सहभागिता होती है तो हम उभरता हुआ भारत मानेंगे। अब इस उभरते हुए भारत में यूथ के जो एस्पिरेशंस है, जो युवाओं की आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं के अनुरूप भारत कैसे विकसित कर रहा है, कैसे विकसित हो रहा है। एक कलाम साहब जो भारत के राष्ट्रपति थे वो प्रायः विद्यार्थियों के बीच जाया करते थे। एक कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थी से उन्होंने पूछा कि तुम कैसा भारत चाहती हो, तो उस छात्र ने कहा आई वॉन्ट टू लिव इन ए डेवलप्ड इंडिया, मैं एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। आज के युवा की ये एस्पिरेशन है, आज के युवा की ये आकांक्षा है कि वो विकसित भारत में रहना चाहता है। इसी प्रकार से आज का युवा राष्ट्रीय प्रश्नों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हुआ है। अभी IIT में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे का जो परिणाम है वो चौंकाने वाला। पहले IIT का विद्यार्थी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता था, लेकिन आज वो ट्रेंड में परिवर्तन है। 40% IIT का विद्यार्थी भारत में रहकर भारत की सेवा करना चाहता है, इसमें सरकारी क्षेत्रों में जाना चाहता है। 30% युवा एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है। तो इस प्रकार यूथ के एस्पिरेशंस बदले हैं, जो यूथ के एस्पिरेशंस बदले हैं उसके अनुसार भारत के विकास की दिशा क्या हो, भारत के विकास की गति क्या हो और उसमें उसकी भूमिका क्या हो, इस प्रश्नों को ध्यान में रखकर के हमने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। अभी एक छोटी घटना आपको बताते हुए कि गोरखपुर जहां हम इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, इस परिक्षेत्र में बंटगिया एक समूह है जनजातियों का, जो आजादी के दौरान अंग्रेजी शासन जब यहां था तो अंग्रेजों ने बंटगिया मजदूरों को इसलिए लगाया था कि वो जगह जगह वनों का विकास करेंगे, और इधर पूर्वांचल में वनों का जो विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बंटगिया मजदूरों के लगे हुआ है। लेकिन आजादी के बाद
ये कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि आजादी के 70-72 सालों बाद भी भंडारिया मजदूर जो इस पर्यावरण के लिए काम किए, पूर्वांचल को बलों से आच्छादित किए, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। यहाँ तक कि वोटिंग राइट भी उनके पास नहीं था, अभी हमारी सरकार ने उनको वोटिंग राइट दिया है। तो इस प्रकार से हम ऐसे लोग जो विकास से दूर थे, जो वंचित थे, उनको विकास की प्रक्रिया में लाना और अंतिम व्यक्ति के हित की चिंता करना, ये वर्तमान में भारत की पहचान है। राजशरण साहिब, हमने इसका कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया है कि भारत के विकास में भारत की युवाओं की भूमिका को कैसे बढ़ा जाए, भारत के विकास की गति क्या हो, भारत के विकास की दिशा क्या हो। विगत वर्षों में हमने महसूस किया था कि आज़ादी के 65 सालों तक भारत के विकास की जो दिशा होनी चाहिए थी वो दिशा कुछ भटकी हुई थी। भारत के विकास का मतलब भारत के आम आदमी का विकास, भारत के विकास का मतलब भारत के सैनिकों का सम्मान, भारत के विकास का मतलब भारत की संस्कृति के अनुरूप भारत का विकास। वैसा विकास अगर नहीं हो पाता है तो हम मानते हैं कि हमारे विकास की गति ठीक नहीं है। भारत के विकास की इसी दिशा को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने हेतु हमने इस परिसंवाद का आयोजन किया है।